उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को सातवें और आखिरी चरण का मतदान खत्म हो गया। लेकिन इसी बीच आजमगढ़ जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सपा प्रत्याशी डॉक्टर संग्राम यादव ने मतदान केंद्र के अंदर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले कभी भी संग्राम यादव ने वोट नहीं मांगा। यही कारण है कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल वायरल वीडियो में पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर सपा प्रत्याशी संग्राम यादव को वोट मांगते हुए देखा जा सकता है। हालांकि सपा प्रत्याशी द्वारा बूथ के अंदर वोट मांगने का भाजपाइयों ने जमकर विरोध किया है। बता दें कि डॉक्टर संग्राम यादव अतरौलिया विधानसभा से सपा प्रत्याशी है। ऐसे में चुनाव प्रचार को लेकर सपा और बीजेपी के बीच कई बार झड़प की खबरें सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।